जोसा ने 2023 की राउंड टू की कट ऑफ्स रिलीज कर दी हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आईआईटी कानपुर की कट ऑफ्स बताऊंगा राउंड टू के लिए सभी ब्रांचेज और सभी कैटेगरीज की। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली हमारी ब्रांच है एरोस्पेस है और इसमें देखो जनरल कट ऑफ जो है 17,000 तक गई हुई है। देखेंगे कौन सी ब्रांच में गई है, वैसे तो सभी कैटेगरीज की बताऊँगा। एरोस्पेस जनरल कट ऑफ 3,929 गई है और आप इसको फर्स्ट राउंड से भी कंपेयर कर सकते हैं कितनी कट ऑफ गिरी है, बट ज़्यादा जाती नहीं है, स्पेशली टॉप आईआईटीज़ में तो बिल्कुल ही नहीं जाती। फीमेल के लिए 8,939। अब देखो जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ्स हैं, नहीं सीआरएल नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी आप सब यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो जिस भी कैटेगरी या ब्रांच का देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है बीटेक में। बात करें जनरल कट ऑफ 7,745, फीमेल 11,591। और लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन चाहिए कि कितनी कट ऑफ हाई गई है कितनी लो गई है कौन सी ब्रांच और कैटेगरी में, तो कमेंट करना, उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द लेके आ जाऊँगा। बाकी बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, जनरल कट ऑफ यहाँ पर 4,207 गई है। आईआईटी कानपुर देखो यार एनआईआरएफ में टॉप 4 टॉप 5 पर रहता ही है और बहुत ही अच्छी आईआईटी है, आप सबको इसके बारे में पता है। बाकी वीडियो अगर फास्ट लग रही है तो स्लो करके भी देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, केमिस्ट्री, जो कि बैचलर ऑफ साइंस में है, बीटेक में नहीं होती वैसे भी। जनरल कट ऑफ 11,237 गई है और फीमेल में सबसे लो कट ऑफ इसी की जनरल में गई है 17,370, और इसी की बात मैं कर रहा था। बाकी और भी ब्रांचेस की कट ऑफ्स लो गई हैं, इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। बात करें नेक्स्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर जनरल कट ऑफ 5,999 अप्रोक्स 6,000 के अराउंड गई है और ये वीडियो जो है ये 2024 के स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है जो 2024 में जेई देंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बन जाएगी ये वीडियो। और बात करें नेक्स्ट ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसमें जनरल कट ऑफ 224 गई है, बहुत हाई कट ऑफ है, फीमेल के लिए 610 गई हुई है और बाकी यहाँ पर देख सकते हो आप सब सबसे हाई कंप्यूटर साइंस की ही जाती है। बाकी यहाँ पर आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो, इसमें पीडब्ल्यूडी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है लगभग सभी सभी कैटेगरीज़ में। और बात करें नेक्स्ट ब्रांच जो कि है अर्थ साइंस और जो बैचलर ऑफ साइंस में अवेलेबल है बीएस में, और इसकी जनरल कट ऑफ 10,293 है, फीमेल के लिए 16,450 और ये राउंड टू की कट ऑफ्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है राउंड वन से। बात करें यहाँ पर इकोनॉमिक्स की कट ऑफ बैचलर ऑफ साइंस, और इसमें जो कट ऑफ गई है 3,462, बहुत हाई कट ऑफ है, इवन बीटेक में भी नहीं है ये, क्योंकि ये ब्रांच बहुत अच्छी है, इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। और बात करें नेक्स्ट जो ब्रांच है यहाँ पर आईआईटी कानपुर में, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है और 1,305 इसकी जनरल कट ऑफ है, फीमेल के लिए 3,460। बाकी अगेन बता रहा हूँ जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरी रैंक कट ऑफ है, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट कमेंट करके बता देना, किस कॉलेज पर कट ऑफ चाहिए या प्लेसमेंट कोई भी टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता दो, अभी मैं वो लेकर आ जाऊँगा। बात करें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जो कि बीटेक में अवेलेबल है, 6,580 इसकी कट ऑफ गई है, फीमेल 11,713, इसी के बेसिस पर आपको सीट अलॉट हुआ है इस साल 2023 में। और कट ऑफ्स यार मैं लगभग राउंड वन की मैंने कुछ कॉलेजेस के किए, कुछ आईआईटी एनआईटीज़ की जाकर चेक कर सकते हो, इतना टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज एनआईटी है, मैं धीरे धीरे सब कर दूंगा, बट अभी राउंड टू रिलीज़ हो चुका है तो इसकी बता दी मैंने। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस में अवेलेबल है, ना कि बीटेक में। यहाँ पर जनरल कट ऑफ 987 है, ब्रांच बहुत अच्छी है बट बीटेक में नहीं है, बीटेक में होता तो कुछ अलग ही बात होती, डिफरेंस पड़ जाता है भले ही 4 ईयर का है ये। बात करें नेक्स्ट यहाँ पर जो ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी जो जनरल कट ऑफ गई है 2,879 गई है, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, चाहे कट ऑफ्स, प्लेसमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, रैंकिंग्स, रिव्यूज़ या फिर कोई इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया एडमिशन से रिलेटेड। बात करें फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स में जनरल कट ऑफ 6,045 गई है, फीमेल के लिए 14,020, और यहाँ पर आप सब अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरी पर्सनल आईडी है। बात करें नेक्स्ट ब्रांच स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, बैचलर ऑफ साइंस में है ये, और इसकी जो जनरल कट ऑफ गई है 1,090 है। अगेन ब्रांचेस जितनी भी बहुत अच्छी हैं यहाँ पर, जैसे अभी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग देखा आपने, स्टैट्स देखा, इकोनॉमिक्स देखा, बट ये सारे बीएस में अवेलेबल हैं, फीमेल 3,907, तो इसका स्कोप और प्लेसमेंट वैसे अच्छा होता है। और
यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी किसी का भी अगर चेक करना हो तो यार लगभग मैंने सभी कॉलेजेस के टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो जाकर देख सकते हो। या फिर अगेन अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्स में पूछ देना, अगर मैंने उस पर वीडियो किया है तो लिंक दे दूंगा, नहीं तो अदरवाइज़ मैं एक दो दिन के अंदर ला दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।